अलीगढ़ में महाशिवरात्रि को देखते हुए शिवालयों को सजाने और संवारने का काम तेजी से चल रहा है। 17 फरवरी की रात 12 बजे से जल अभिषेक शुरू हो जाएगा। रामघाट रोड पर गंगा से जल लाकर भोले के भक्त भी जयकारों के साथ कांवड़ लेकर शिवालयों की ओर चल पड़े हैं। रामघाट से राजस्थान के शिव भक्त भी कांवड़ ला रहे हैं। वे इगलास होते हुए मथुरा से अपने यहाँ शिवालयों में जल अभिषेक करेंगे। रामघाट, राजघाट और अनूपशहर घाट से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कांवड़ लाकर जीटी रोड पर रामलीला मैदान के सामने अचलेश्वर धाम, खैर रोड स्थित खेरेश्वर धाम और जयगंज स्थित मंगलेश्वर व अन्य शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं। अचलेश्वर मंदिर के सामने रामलीला मैदान में कांवड़ियों के विश्राम के लिए स्थल बनाया जाएगा। 19 फरवरी को शिव विवाह का आयोजन किया जाएगा। 20 फरवरी को मेला निकलेगा। 21 फरवरी को सुंदरकांड और फिर भंडारा होगा। खेरेश्वर धाम पर भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारी चल रही है। क्या नाम है आपका? रोहन सिंह। रोहन सिंह कहाँ से आए हैं आप? कामा से। कामा साहब किधर पड़ता है? ये पड़ता है साहब कोसी रोड, डीग डीग डीग, राजस्थान राजस्थान जिला भरतपुर। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? हम आ रहे हैं रामघाट। रामघाट जय बोले। रामघाट से आप कहाँ जाएंगे? कामा चलाएंगे सीधे। कामा चलाएंगे सीधे। तो कितने दिन में पहुँच जाएंगे आप? 17 तारीख को। 17 तारीख को पहुँच जाएंगे आप? हाँ जी। लगातार चल रहे हैं आप? हाँ लगातार। थोड़ा टाइम मिलता है जब शाम को, अब खाना वाना खा के लेट जाएंगे, थक जाएंगे जब, उसके बाद में 17 तारीख को जल चढ़ा देंगे हम। जल चढ़ा। कोई परेशानी तो नहीं हो रही रास्ते? नहीं नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। की तरफ से कोई सुविधा मिली? खूब बढ़िया सुविधा साहब। क्या नाम है आपका? भूरा। भूरा जी कहाँ से आए हैं आप? कामा। कामा किधर पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान। अब इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं? गंगा जी पर, रामघाट। रामघाट गंगा जी। तो अब कहाँ पर चढ़ाएंगे जल? कामा। कामा। कामा कितने दिनों में पहुँच जाएंगे? 3 दिन। यानी 17 तारीख को। 17 तारीख को कितने बजे तक आप जल चढ़ा देंगे? 4 बजे चढ़ा देंगे 18 को। अच्छा ये बताइए कितने सालों से आप आ रहे हैं टावर लेके? 2 साल। 2 साल से लगातार आ रहे हैं। बोल गंगा मैया की जय। बाबा की जय। मेरा नाम निखिल महेश्वरी है। यहाँ तैयारी चल रही है, शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और कांवड़ियाँ यहाँ आएंगे जल चढ़ाने, कांवड़ लेके बहुत सारे हमारे भक्त भोलेनाथ के, उसकी तैयारियाँ यहाँ चल रही हैं। आप देख रहे हैं मंदिर पर ऊपर तैयारियाँ चल रही हैं, अंदर भी तैयारियाँ चल रही हैं। पुताई वगैरह रंगाई का काम हो रहा है यहाँ और लगातार सब व्यवस्थाएँ दिन प्रतिदिन यहाँ व्यवस्थाएँ तैयारी की जा रही हैं। प्रशासन वगैरह की ओर से भी व्यवस्थाएँ, नगर निगम वगैरह भी प्रशासन व्यवस्थाएँ दुरुस्त कर रहा है धीरे धीरे। अभी आपको देखेंगे यहाँ तैयारियाँ, 2 दिन के अंदर आपको यहाँ बहुत अच्छा एक भव्य दिव्य पूरा अच्छा से भोले बाबा का सजे हुए आप देखेंगे। बैरिकेडिंग लगाएंगे पूरी, जिससे भक्तों को आसानी हो, सब आसानी से आ सकें एक तरफ से निकलने के लिए, एक तरफ से आने के लिए, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत हो जाती है। अचलेश्वर महादेव की मान्यता बहुत है, उसको लिए पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई जाएगी, आप सामने देख रहे हैं इस समय खुला हुआ है, ये सब बैरिकेड किया जाएगा, यहाँ से पूरा तैयार किया जाएगा, अंदर फूल बंगला सजाया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी।